अब हम सब बेस की डेफिनेशन पढ़ते हैं। सब बेस फॉर ए टोपोलॉजी टी, लेट टी बी ए टोपोलॉजी ऑन सेट एक्स। अ फैमिली एस ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ सेट एक्स इज अ सब बेस फॉर द टोपोलॉजी टी इफ एंड ओनली ए फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ फैमिली एस फॉर्म अ बेस फॉर द टोपोलॉजी टी। इस डेफिनेशन में बताया जा रहा है कि टोपोलॉजी टी की एक सब फैमिली एस टोपोलॉजी की सब बेस कहलाती है अगर इस सब फैमिली एस के मेंबर्स के तमाम फाइनाइट इंटरसेक्शंस पर मुश्तमिल फैमिली बी टोपोलॉजी की बेस बन जाए। अगर सब फैमिली एस इंडेक्स्ड सब फैमिली हो तो इसके मेंबर्स के फाइनाइट इंटरसेक्शंस पर मुश्तमिल फैमिली बी कुछ ऐसी होगी। अगर ये फैमिली बी टोपोलॉजी की बेस बन जाए, मींस के बेस की दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे, तो इस सब फैमिली एस को हम टोपोलॉजी की सब बेस कहते हैं। मसलन अगर हम यूजुअल टोपोलॉजी ऑन रियल लाइन आर की सब फैमिली एस लें, जिसमें इन्फिनिट ओपन इंटरवल्स ए टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी टू बी शामिल हों, तो इस सब फैमिली के मेंबर्स के फाइनाइट इंटरसेक्शंस में तमाम ओपन इंटरवल्स फ्रॉम ए टू बी आ जाते हैं। अब चूंकि ये फैमिली बी फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ सब फैमिली एस एक बेस है यूजुअल टोपोलॉजी ऑन रियल लाइन आर की, लिहाजा ये सब फैमिली एस यूजुअल टोपोलॉजी ऑन रियल लाइन आर की एक सब बेस है। ऑल्सो नोट दैट एवरी बेस फॉर ए टोपोलॉजी इज ऑल्सो अ सब बेस फॉर दैट टोपोलॉजी। टोपोलॉजी की हर बेस उसकी सब बेस होती है, क्योंकि टोपोलॉजी की बेस सब बेस की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करती है। आइए अब हम लोकल बेस की डेफिनेशन को देखते हैं। लेट टी बी ए टोपोलॉजी ऑन सेट एक्स एंड पी बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स। अ फैमिली बी पी ऑफ ओपन सेट्स कंटेनिंग पी इज कॉल्ड अ लोकल बेस एट पी इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच ओपन सेट जी कंटेनिंग पी देयर एग्जिस्ट मेंबर जी पी इन फैमिली बी पी विद द प्रॉपर्टी पी बिलोंग्स टू जी पी एंड जी पी इज कंटेन्ड इन जी। इस डेफिनेशन में बताया जा रहा है कि सेट एक्स के किसी भी एलिमेंट पी के लिए टोपोलॉजी टी की सब फैमिली बी पी लोकल बेस एट पी कहलाती है अगर टोपोलॉजी में मौजूद हर सेट जी जिसका पी एलिमेंट हो के लिए फैमिली बी पी में मेंबर जी पी मौजूद हो जो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर दे। एलिमेंट पी इस मेंबर जी पी का भी एलिमेंट हो और जी पी खुद सेट जी का सबसेट हो। मिसाल के तौर पर अगर रियल नंबर पी के लिए हम यूजुअल टोपोलॉजी ऑन रियल लाइन आर की सब फैमिली बी पी लें, जिसके मेंबर्स ओपन इंटरवल्स हों जिनका सेंटर रियल नंबर पी हो, तो ये सब फैमिली यूजुअल टोपोलॉजी ऑन रियल लाइन आर के लिए लोकल बेस एट रियल नंबर पी है। अब हम काउंटेबल स्पेसेस के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट काउंटेबल स्पेस, अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी इज कॉल्ड अ फर्स्ट काउंटेबल स्पेस इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग एक्सियम कॉल्ड द फर्स्ट एक्सियम ऑफ काउंटेबिलिटी। सी वन, फॉर ईच पॉइंट पी ऑफ सेट एक्स देयर एग्जिस्ट ए काउंटेबल लोकल बेस बी पी एट पॉइंट पी। टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स को हम फर्स्ट काउंटेबल स्पेस कहते हैं अगर सेट एक्स के हर एलिमेंट पी के लिए एक काउंटेबल लोकल बेस बी पी एग्जिस्ट करे। काउंटेबल सेट की डेफिनेशन आपको याद होगी, ऐसा सेट जो फाइनाइट हो या डीन्यूमरेबल हो उसे हम काउंटेबल सेट कहते हैं। अगर सेट एक्स के हर एलिमेंट पी के लिए काउंटेबल लोकल बेस एट पी
एग्जिस्ट करे तो फिर हम टोपोलॉजी को फर्स्ट काउंटेबल स्पेस कहते हैं. ऑब्जर्व दैट द फर्स्ट एक्सियम ऑफ काउंटेबिलिटी C1 इज अ लोकल प्रॉपर्टी ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस X. दैट इज इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ आर्बिट्रेरी नेबरहुड्स ऑफ द पॉइंट P ऑफ सेट X. एग्जाम्पल, एवरी मीट्रिक स्पेस इज अ फर्स्ट काउंटेबल स्पेस. आपको मालूम है कि सेट X पर मीट्रिक स्पेस एक टोपोलॉजी को इंड्यूस करती है. उस टोपोलॉजी की रिस्पेक्ट से सेट एक्स के हर एलिमेंट के लिए ये फैमिली जो कि सीक्वेंस है ओपन स्फीयर्स का, जिनका सेंटर पी है और रेडियस 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन है, ये सीक्वेंस लोकल बेस एट पी है. एग्जांपल टू, लेट एक्स बी एनी डिस्क्रीट स्पेस. अगर सेट एक्स पर हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी लें तो ये भी एक फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है. ये क्यों फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है? क्योंकि सेट एक्स के हर एलिमेंट पी के लिए ये सिंगलटन सेट लोकल बेस है. नाउ वी डिफाइन सेकंड काउंटेबल स्पेस. अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी इज कॉल्ड सेकंड काउंटेबल स्पेस इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग एक्सियम कॉल्ड द सेकंड एक्सियम ऑफ काउंटेबिलिटी C2. There exists a countable base B for the topology T. अगर topology T के लिए countable base B मौजूद हो तो हम topological space XT को second countable space कहते हैं. Observe that second countability is a global rather than a local property of a topological space. Example, अगर हम usual topology on real line R की सब फैमिली बी लें जिसमें ओपन इंटरवल्स फ्रॉम ए टू बी शामिल हों जबकि ए और बी रैशनल नंबर्स हों, तो ये फैमिली एक काउंटेबल फैमिली है और ये फैमिली यूजुअल टोपोलॉजी ऑन रियल लाइन आर की बेस है. अब चूंकि ये फैमिली ये बेस काउंटेबल है लिहाजा यूजुअल टोपोलॉजी ऑन रियल लाइन आर एक सेकेंड काउंटेबल स्पेस है. एग्जाम्पल टू, अगर हम सेट ऑफ रियल नंबर्स पर डिस्क्रीट टोपोलॉजी लें तो ये टोपोलॉजिकल स्पेस एक सेकेंड काउंटेबल स्पेस नहीं है. ऐसा क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी की हर बेस में तमाम सिंगलटन सेट्स मौजूद होते हैं, लेकिन सेट ऑफ रियल नंबर्स के तमाम सिंगलटन सेट्स पर मुश्तमिल फैमिली हमेशा अनकाउंटेबल होती है. इसलिए डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन रियल लाइन आर की हर बेस हमेशा अनकाउंटेबल होगी. तो चूंकि हम इस टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए काउंटेबल बेस तलाश नहीं कर सकते, लिहाजा ये टोपोलॉजिकल स्पेस एक सेकंड काउंटेबल स्पेस नहीं है. आइए अब हम आज के इस लेक्चर का अख्तिताम इस इम्पॉर्टेंट रिजल्ट पर करते हैं. प्रोपोजिशन, अ सेकेंड काउंटेबल स्पेस इज ऑल्सो फर्स्ट काउंटेबल. हर सेकेंड काउंटेबल स्पेस फर्स्ट काउंटेबल स्पेस होती है. मीन्स कि जब भी किसी टोपोलॉजिकल स्पेस की काउंटेबल बेस एग्जिस्ट करे तो उस टोपोलॉजिकल स्पेस के हर एलिमेंट के लिए काउंटेबल लोकल बेस भी एग्जिस्ट करती है. ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर बी किसी टोपोलॉजिकल स्पेस की काउंटेबल बेस हो तो इसकी हर सब फैमिली भी काउंटेबल होगी, और अगर हम एलिमेंट पी को कंटेन करने वाले तमाम मेंबर्स इस फैमिली बी से ले लें और उससे ये सब फैमिली बी पी बना लें तो ये सब फैमिली बी पी एलिमेंट पी ऑफ एक्स के लिए एक काउंटेबल लोकल बेस होगी. इस स्टेटमेंट की कन्वर्स स्टेटमेंट ट्रू नहीं है. मींस कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर फर्स्ट काउंटेबल स्पेस एक सेकेंड काउंटेबल स्पेस हो. हमने सेट ऑफ रियल नंबर्स पर डिस्क्रीट टोपोलॉजी को देखा कि ये एक सेकंड काउंटेबल स्पेस नहीं है, जबकि ये फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है, क्योंकि हम इस सेट ऑफ रियल नंबर्स के हर एलिमेंट के लिए एक काउंटेबल लोकल बेस मालूम कर सकते हैं जो कि सिंगलटन सेट पर मुश्तमिल है. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.